भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां ट्रक में पुलिस जवानों की गाड़ी भिड़ गई। ट्रक में ये पुलिस जवानों से भरी हुई गाड़ी भिड़ गई और इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। चुनाव ड्यूटी के लिए ये सभी जवान जा रहे थे। कणूता गांव के पास ये एक भयानक सड़क हादसा हुआ जहां पर ट्रक में जवानों से भरी गाड़ी जाकर भिड़ गई और हादसा इतना भीषण था कि 5 जवानों की मौत हो गई। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। महेंद्र, वाकई दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ है, 5 जवानों की जान चली गई, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज कह सकते हैं कि नागौर पुलिस के लिए आज का दिन काला दिन है, क्योंकि एक जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसमें जिले के 5 पुलिस जवानों की मौत हुई है और 2 जवान जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी जवान जो पीएम की ड्यूटी के लिए झुंझुनू जा रहे थे और कानूता के पास ये घटना घटित हुई। जी महेंद्र, किस समय हुआ ये हादसा और हादसे की अगर जानकारी आपको हो तो क्या पुलिस गाड़ी जो है वो जाके ट्रक में भिड़ गई, हेड ऑन कोलिजन था, पीछे से किस तरह से हुआ ये हादसा? जी बिल्कुल, जो कह सकते हैं कि ये जो है पुलिस की जो जायलो गाड़ी है जिसमें पुलिस के जवान सवार थे वो जाकर ट्रक में भिड़ी है और इस दौरान ही ये घटना घटित हुई है। मौके पर 5 जवानों की मौत हुई, 2 घायल हुए और वहीं घटना स्थल के लिए एसपी खुद जो है नारायण डोगस वो भी मौके पर पहुंचे हैं। अब वो कानूता जो है पहुंचे हैं और मृतकों के शव भी कानूता के अस्पताल में रखवाए गए हैं। जी जी महेंद्र, ये जो मृतक हैं, जो 5 जवान जो ड्यूटी की जाते समय जिनकी मौत हो गई, एक कौन सी बटालियन के थे, कहाँ के रहने वाले थे? जी ये सभी जवान जो है नागौर पुलिस के थे और इनकी खेवसर थाने में पोस्टिंग थी। महेंद्र, जो भीषण जो घायल हुए हैं जो 2-3 जवान, उनके हालत के बारे में क्या कुछ अपडेट? में जो 2 जवान घायल हुए हैं उन्हें पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया है। उनकी गंभीर हालत होने के चलते इस जेएलएन अस्पताल में। जी महेंद्र, आपसे फिर जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी नारायण तवर। सर बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। बहुत ही भयानक और दुखद सड़क हादसा हुआ है, क्या कहेंगे आप? हमारे जवान यहाँ से वीआईपी ड्यूटी के लिए झुंझुनू जा रहे थे, सुबह मॉर्निंग के अंदर एक गाड़ी में ये 7 जने थे, ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया, 5 मौके पे खत्म हुए, 2 घायल हैं। घायलों को हमने ग्रीन कॉरिडोर करके पहले नागौर पहुंचाया और उनको जोधपुर रेफर किया, जोधपुर। जी सर, किस समय ये हादसा हुआ और अब आप किस तरह से जो पूरी सिचुएशन है उसको देख रहे हैं, किस तरह से अब आगे कार्रवाई की जा रही है? मैं मौके पे हूँ और अभी मोर्चरी रूम के अंदर है, यहाँ कानूता पड़ता है सुजानगढ़ सदर थाने इलाके में, यहाँ की घटना है ये और बड़ी दुखद घटना है। हमारे जवान जो ड्यूटी पे जा रहे थे वो अचानक ये हादसा हुआ, बड़ा दुखद घटना है। जी सर, ये जवान जितने भी आपके कहेंगे शहीद हो गए, ड्यूटी पर जा रहे थे, ये कहाँ कौन से पुलिस थाने पर तैनात थे और किस वक्त ये हादसा हुआ? हादसा करीब 6 बजे के आसपास है, 6:45 के आसपास, और इसमें जो मृतक हैं इनमें से 4 तो खेवसर थाने के हैं, एक महिला थाना नागौर का। जी सर, हमसे जो घायल हैं वो 2 खेवसर थाने के। जी फिलहाल क्या स्थिति है, घायल जो हैं जवान उनके? घायल, हाँ घायल तो सीरियस हैं, उनको अभी रेफर किया गया है। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे एसपी नारायण तोगर, जिन्होंने जानकारी दी कि जो 5 जवान जो पुलिस थाने में तैनात थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और जो 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए नागौर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है, अभी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। झुंझुनू जा रहे थे ये सभी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में ड्यूटी देने के लिए जब ये हादसा हुआ, और आप देख सकते हैं तस्वीरें, भीषण सड़क हादसा हुआ है, जो गाड़ी है पुलिस की पूरी तरह से आगे से खत्म हो चुकी है, 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें ग्रीन कॉरिडोर से जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एसपी नारायण तोगर खुद मौके पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तफ्तीश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर इस ट्रक के अंदर घुस गई पुलिस जवानों से भरी गाड़ी और ये टक्कर थी, इतनी भयानक थी, इतनी भीषण थी कि 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई।
और